एक बार फिर लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच गए भाई, गांव अबूब शहर जिला सिरसा मंडी डबुआली में भाई सुथार डेयरी फार्म पर कुलवीर भाई के पास में। आज की वीडियो में भी सेल के लिए पशु होंगे और जायज रेट में होंगे। और भाई अरे कौन जो मन की मेट भूख दे, पल में गल्ला दूर थूक दे, बुरे कर्म लाख फूक दे, पुन में ना एक पाई लग गए, घने अच्छे भाग हो उस मानस के जी की अच्छी जगह कमाई लग गए, किसे किसे करे धन का तोड़ा और किसे के धन का काई लग गए, किसे किसे करे धन का तोड़ा और किसे के धन का काई लग गए। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। एक बार फिर लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच गए भाई, गांव अबूब शहर जिला सिरसा मंडी डबुआली में भाई सुथार डेयरी फार्म पर कुलवीर भाई के पास में। आज की वीडियो में भी सेल के लिए पशु होंगे और जायज रेट में होंगे। और भाई कितने पशु आज से गड्डी लोड होकर यहाँ से कहाँ पर जाएगी भाई, वह बात भी पूछेंगे। तो बार बार स्वागत है कुलवीर भाई का पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। दर्शकों और कर दो राम सभी दर्शकों को राम राम भाई। और ठीक हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, सुखमोज है। हाँ बिल्कुल सब परमात्मा की कृपा है। पीछे वीडियो बनाई थी उसमें रेट आपने बहुत अच्छे बताए थे, जायज बताए थे। सेल हो गए तकरीबन सभी सेल हो गई। सभी हो गए, सभी हो गए। आज की वीडियो में नए पशु हैं? हाँ नए, सभी नए पशु है। अच्छा, इसमें आज की वीडियो में 5 पशु बिक्री के लिए है जी, और 12 पशु जो है वो झांसी के लिए जा रहे हैं। 5 तो है भाई बिक्री के लिए और 12 पशु झांसी जा रहे हैं, उनका भी रेट का अंदाजा जरूर लेंगे कितने में सेल करी है, क्योंकि भाई खरीदने वाले भी वीडियो में है और बेचने वाला भी वीडियो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले एक बार ये जो 5 सेल के लिए, इनकी डिटेल बता दो। तो ये जो भाई पहले नंबर पर है, पोली कैसे उतर गई सिंह की भाई साहब? ये देखो उतरी मिली थी, उतरी मिली है। हाँ जी, दूसरे ब्यांत में आई, अभी 5-4 दिन ब्याने के लेगी। जैनवन दूसरा ब्यांत है? जैनवन दूसरा ब्यांत है। दूसरा ब्यांत है भाई, कद कट्ठी की बहुत अच्छी है, शरीर की भी बिड्डू है बढ़िया, अच्छी तैयार है और 5-4 दिन पे 5-4 दिन अभी ब्याने के लेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मोल भाव करोगे इसका भाई साहब? ये दूध की क्षमता लगभग 18 प्लस रहेगी। अच्छा, मोल भाव कराने कितना करेगा? 1,35,000 की सेल होगी भाई साहब। न्यू कहे 5-6 दिन इसके बाकी है, 5-6 दिन बाकी है और दूसरा ब्याज से दूसरी बार ब्याह होगी, दूध की नहीं अक्षमता कम से कम 18 की उम्मीद है। उम्मीद है 1,35,000 भी मोल, 1,35,000 मोल है भाई इसका। पहले नंबर पे है जो दूसरी बार बच्चा देगी, ले जाओ जी आगे, ले जाओ आप, ले जाओ। और यह जो दो नंबर पे है भाई साहब, दूसरे ब्याज में 5 दिन की जनी, अभी 5 दिन की ब्याई है, सेकंड टाइमर है, कितना दूध है अभी मौके पर? 12 लीटर तकड़ी वाला तैयार है, 12 लीटर कट्टे के तो लगा तैयार है, 5 दिन की ब्याई नीचे, दूसरा ब्याज है, दूसरा ब्याज है। अच्छा जी, इसकी क्या कीमत करोगे? 1,05,000 रुपए। 1,05,000, कितना दूध काट देगी यार? दूध 15 प्लस जाएगी जी। 15 प्लस है, बिल्कुल। ब्यात में तो कोई संशय नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है जी, 1% भी संशय नहीं है। थोड़े गरीब घर से आई है। अच्छा, है भी गंगानगर क्षेत्र की भैंस है। अच्छा, गंगानगर क्षेत्र की है, ब्यात पक्का दूसरा है, पक्का दूसरा है। 1,05,000 की सेल करेंगे, 5 दिन की ब्याई है। अगली लाओ जी। तो 3 नंबर पे है जो भाई साहब, भाई साहब 6 दांत है, दूसरे ब्यांत में है जी। अभी हाजिर जो खीस है ना, वो भी 10 लीटर से बाहर है, 10 लीटर तक बाहर है, बाहर है जी। तो जी काफ क्या है नीचे इसके? फीमेल काफ है, धार दूरा की बढ़िया, एक नंबर चौई पसमा की, और भाई बढ़िया गैप गुप भी थना का अच्छा है। दूसरा ब्यांत है इसका, दूसरा ब्यांत है। क्या मोल भाव भाई जी का? 1,22,000 रुपए। 1,22,000। हाँ जी। दूध की क्षमता? दूध की क्षमता 15 प्लस रहेगी, 15 प्लस की भाई जो टी सेकंड टाइमर अच्छी जोटी है, और 1,22,000 रुपये इसका मोल है आज का। हाँ जी, हाँ जी। अगली लाओ जी। क्या आप भी चाहते हैं आपके पशु की लेवटी बड़ी हो ताकि वो सुंदर दिखाई दे? तो आज से ही अपने पशु को सुबह शाम राइट टच 10 ml जरूर पिलाएं, और इस नाप रोटी में चौपड़ के विश्वास को हो। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, 7,89,00,42,000। और यह आगे भाई 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आएगी। इसकी क्या डिटेल है जी? चौथे ब्यांत में ब्याने वाली आई। क्या के दिन रहेगी? अभी हफ्ता ले जाएगी, एक हफ्ता ले जाएगी, क्योंकि भाई अडर ने देखे लग गई सी गुंजाइश, अभी टाइम लेगी काफी। और दूध की क्षमता 13-14 लीटर रहेगी इसकी, 13-14। हाँ जी, हाँ जी। चौथा ब्यांत है, चौथा ब्यांत है। तो क्या मोल है इसका? 75,000 रुपए। 75,000 में इसने सेल करेंगे, एक हफ्ता बाकी है। हाँ जी, 14-15 किलो दूध बिल्कुल दे जाएगी, आराम तक काट देगी। और ईब दिखाओगे भाई के
इससे भी कम कीमत की। पांच नंबर पे ये इसका क्या एलर्जी हो गया बॉडी पे? ये तो मच्छर मुच्छर खेत से डानी चाहिए ना। अच्छा तो मच्छर मुच्छर की वजह से हो गई ये। इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? भाई साहब तीसरे ब्याते में बहेगी। कितना टाइम रह रहा है? नजदीक लग रहा है। एक दो दिन लेगी। एक दो दिन लेगी। दूध भी 14 लीटर से बाहर वाली है। तीसरा ब्याते? हाँ तीसरा ब्यात। ब्यात में इसके कुलवीर भाई फर्क पाओगा, कंफर्म करियो आप मेरी मानो तो। मालिक ने दूसरा ब्यात है, मेरी तरफ से तीसरा बोल रहे हो। मेरी तरफ तो चौथा कह देते हैं। चौथा कह देते हैं। ठीक है कुलवीर भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। आपने मालिक की रख ली और भाई आप मेरी भी रख लो, मेरी ही चौथी मान ली तो चौथा मान लो इसने। तो एक दो दिन लेगी ब्याण का? एक दो दिन लेगी। मैंने चौथा इसलिए कही है ब्यात का तो जिक्र छोड़ दो, जब आप कीमत जायज रखो हो। हाँ जी हाँ जी। तो ब्यात का तो कोई रोला ही को नहीं रह गया। कितना का दूध काट देगी यार? दूध भाई साहब ये 12 लीटर से बाहर निकलेगी। 12 लीटर के आसपास, 1.25 लाख वाले के बराबर दूध निकलेगी। कीमत क्या है इसकी? 65,000। 65,000 रुपये मोल है भाई इसका। और भाई ने कहा 12-13 लीटर कम से कम, कम तक कम थोड़ा देगी तो 12 लीटर देगी। ज्यादा ज्यादा निकालने वाला चाहिए, कितना निकाल सकता है वो अगर जो केयर करेगा भाई उतना दूध या निकाल देगी। 65,000 रुपये इसका मोल है। एक मिनट रुकना जी भाई, ईव दिखाओगे जो यहाँ से सेल होकर जा रही है अभी गाड़ी भर देंगे। और भाई किस किस रेट में सेल करिए पूछेंगे, खरीदनिया भी साथ में है। आ जाओ भाई साहब। राम राम भाई। राम राम जी। दर्शकों और कर दो राम राम जी। क्या नाम आपका? पंजाब यादव झांसी। पंजाब यादव, यादव झांसी। देखो भाई नाम भी भाई साधर रहा, दो जगह का नाम आ गया, पंजाब और झांसी है कि नहीं? पंजाब नाम है ना आपका? पंजाब यादव। पंजाबक पंजाब, पंजाब पंजाब, मैं पंजाब समझ गया भाई। चलो बाकी बहुत अच्छा नाम है, मिलता जुलता है। तो भाई साहब कितने पशु खरीद के ले जा रहे हो यहाँ से? 12। 12 पहली बार आए हो? नहीं नहीं। और तो बहुत दिन से आ रहा, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आज तक। फिर 10 साल में ये मान लो कोई एक साल पुगा दिया हुआ भी बहुत बड़ी बात हो जाए। 10 साल इसलिए आ रहा भाई जब कोई उलाना नहीं मिला आज तक। नहीं नहीं कोई खोटी नहीं निकली, कोई खोटी नहीं, सारी खरी निकली है। वहाँ पे ले जाके आप डेयरी कर रहे हो या सेल करते हो? डेयरी पे भी रख लेता हूँ, सेल भी कर देता हूँ। सेल भी कर देते हो। तो आज कितने पशु लेकर जा रहे हो? 12 पशु। दूध दाद देखा इनका? देखा है, मेरी समझ से कोई खराब नहीं निकली अभी। अच्छा जी, एक आधी बार कुलवीर भाई पैसा हो अग भाई आने का टाइम ना हो फोन पर मंगवा लियो। मंगवा लेता हूँ। वो भी बिल्कुल खरी निकली? हाँ खरी, खोटी तो नहीं निकली कोई? चलो जी बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो भाई ये एक अंदाजा, इसलिए आपको कोई भी पशुपालक भाई आता है वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भाई आवे उनका भरोसा ना टूटे। कुलवीर भाई गलत तो नहीं कर रहे? बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 300 किलोमीटर हमारे हैं तो हमने बेरा कितना जोटा लगा हाण में। और कोई भाई आवे रेल में बस में तो परेशान ना हो, अड़ाते गलत व्यवहार पाओ तो पहले जो मेरे बारे आप जानते हो वही बताना है, वीडियो में जोड़ के नहीं बताना। सही बात है, जो आपको लगता है अच्छा हूँ तो अच्छा बताना, माड़ा तो माड़ा। पहले कह दी थी यादव भाई ने अग भाई जो मेरा व्यवहार अपना लग गया वही बताना है, अपने पास तो नहीं होनी। भाई ने तो मौज कर दी, जैसा आपको भाई खान पान मिले है, रहना सहना मिले है, जैसे पशु अच्छे मिले वही बताना। रोटी पानी है कोई दिक्कत तो ना? अच्छी सेवा, जैसे घर घर जैसा महसूस होता है मुझे ना। चलो बहुत अच्छी बात है पंजाब भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। लेकर जाओ आप 12, एक बार डिटेल जान लें इनकी, एक बार डिटेल पूछ लें इनकी। हाँ पूछ लो। तो भाई अब आ गई ये 5 पहले सेल वाली दिखा दी और ये आ गई झांसी की गाड़ी लोड होगी। एक नंबर पर क्या डिटेल है भाई साहब? ब्यात में आई जी, परसों जनी है, खीस होगा 10-11 लीटर, बढ़िया कद काठी की। और दूध में जाएगी 15+ वाली, 15+ वाली। कितने रुपया की? 1,30,000 रुपये। 1,30,000 की सेल करी है भाई, दूसरे ब्यात की है। एक यह चीज थोड़ा हमने फर्क देखा, इधर का जंगल है जो यहाँ के पशु और जींद कैथली सारी साइड के पशुओं का थोड़ा सा उम्र में जैसे उनमें कच्चापन लग गया, ये थोड़ी बड़ी लग। हाँ जी हाँ जी, है ही वो फर्क भाई साहब, फर्क है। तो दूसरे ब्यात में है, अगली लाओ जी। इसकी क्या डिटेल है जी? तीसरे ब्यात में है जी। जी कल की जनी है, अभी खीस होएगा 10-11 लीटर। अच्छा, और दूध की क्षमता 18+ वाली है। 18+ वाली, बिल्कुल। कितने रुपये की दी है? 1,43,000। 1,43,000 रुपये की। भाई एक बार घुमाइए कैमरे के इस साइड, इसका ऑर्डर कर दे। ये देखो भाई खीस अभी 10 लीटर, बिल्कुल हाजिर तैयार है, हाजिर तैयार है इसके अंदर। तीसरा ब्यात है 1,43,000 में, या झांसी जाएगी। अगली लाओ जी। और ये आ गई भाई 3 नंबर पर, जो झांसी का लोट है उसकी तीसरे ब्यात में आई जी। 5 दिन की जनी है, तो हाजिर दूध होएगा 14 लीटर से बारिश के नीचे। 5 दिन की ब्याई नीचे 14 लीटर दूध तैयार है। वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई, सुबह के 9 बज गए हैं, भरी भराई है, सारी सभी भरी भराई है, तकरीबन सभी भरी भराई है। एक बार यह चीज बता दूं, आज शायद बताना भूल गए, 9 बजे सुबह वीडियो बना रहे हैं और सारी भरी भराई है। तो भाई साहब
14 लीटर दूध है, हाजिर तैयार है। 5 दिन की भाई, कितने की दी है यार? 1,13,000 रुपए। 1,13,000 रुपए की सेल करिए भाई। देखो बढ़िया अच्छी तगड़ी भैंस है, 16 लीटर प्लस जाने वाली भैंस है। तीसरे ब्यात की है, 16 लीटर की क्षमता भाई बताते हैं। और भाई उड़त जाके एक बार घटेगी, क्योंकि सफर में एक बार सफर 800 किलोमीटर जाएगी तो सफर में एक बार घट जाती है। हाँ जी, तो यह जो चार नंबर पे पहले ब्यांत की है। अच्छा, चार दांत है मुंह से। अच्छा जी, और अभी 5-6 दिन की जनी है। कितना दूध है? दूध 11 लीटर तैयार है। 11 लीटर बिल्कुल। काफ क्या है नीचे? फीमेल काफ है। फीमेल काफ क्या मोल कर है इसका? 1,00,000 रुपए की। 1,00,000 रुपए की सेल कर दी, अभी झांसी जाएगी। अगली ले आओ जी। अच्छा जी, हाँ, ये मान लो गिफ्ट मान के दी है। ये पंजाब यादव ने अपने ससुराल में भेजनी है। पंजाब यादव ने अपने ससुराल में ससुराल भेजनी है भैया। देखिए भाई, घुमा दे एक बार इसने भाई, इसने अपनी ससुराल में भेजेगा। फिर कदे ससुराड़ी एनू का भारी छोरी की तोड़ लंबी चोटी थी, पूछ कट्टी ओड मैच दे दी तेना मरते है। हाँ भाई, ये लंडी भेजेगा ससुराड़ में। अग दूध चोखा इसके नीचे? दूध चोखा था। अच्छा, इसलिए। हाँ, तो भाई जी क्या डिटेल है इसकी? दूसरे ब्यांत में जी। अच्छा, दूध की क्षमता 16-17 लीटर रहेगी। 16-17 लीटर रहेगी भाई। कमी इसकी पूंछ में है। हाँ हाँ, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। अच्छा, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, पूंछ की कमी मान सकते हैं। पूंछ की, और वो भी कटगी भाई। कटगी भाई साहब। और पूंछ तो न्यू है, दूध नहीं काटती। हाँ जी, दूध तो थना में तो निकलेगा। पर एक थोड़ा है भाई, न्यू मन है अपना, ऐप तो होते ही है। इस चीज में मन है जी। तो कितने रुपये की दीजिए? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपया गिफ्ट दिया है भाई, ससुराल भेजनी है भाई पंजाब यादव भाई ने या। और दूध की नहीं मान लो मौज कर देगी उड़ जाकर। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, तेरे तो भी फिर वे कराया कर रहे, सीधे कोथले ही भेज जाएंगे ना, पैंट भेज दें, कमीज नहीं भेज जाए। कमीज भेज जाए, पैंट नहीं भेज जाए। चलो ये तो मजाक की बात है भाई, बहुत बढ़िया हसमुख भाई है। अगली लाओ जी, इसकी क्या डिटेल है जी? तीसरे ब्यांत में जी। अच्छा, परसों जनिया खीस होगा, 9-10 लीटर तैयार। 9-10 लीटर खीस है भाई परसों। ये तीसरा ब्यांत है, 13-14 लीटर पर जाने वाली जुटिया। कितने की दी है यार? ये 90,000 रुपये। 90,000 की, मैंने भी अंदाजा था, मगर अगर कुलवीर भाई से 1,00,000 तो बार बताओगे तो टोकूंगा मैं भाई। नहीं बिल्कुल 90। देखो जो भैंस जिस रेट में दी है हम वही बताएंगे, वही बताएंगे जो वीडियो में जिस रेट में थी। हाँ, लोगों को कमेंट भी है भाई साहब ने बेचने, लेकिन मैंने उन्हें वो भैंसें मांगने से 2,000 मंदी भैंस बेची है मैंने। अच्छा जी। हाँ, जो रेट बताए थे उसको भी 2,000 आया होगा। हाँ जी, उसने कहा भाई साहब वीडियो बनाने के लिए भैंस ले ली गई, मैं सभी भैंसे खड़ी है, उसी दिन की बात है। वहाँ तू ले कौन सी ले रहे हैं सब, मैं 1,000-2,000 छूट करूंगा। 2,000 रुपए कम में दे। हाँ, कम देंगे। अच्छा जी, इसकी क्या डिटेल है? भाई साहब तीसरे ब्यांत में है। अच्छा, अब हाजिर दूध 14 लीटर हो गया इसके नीचे। कितने दिन की ब्याई है? 8-9 दिन की ब्याई है। 8-9 दिन की ब्याई है। ये बब्बा ये ना उतरे है के लेवटी में फर्क है? नहीं नहीं, बैठने उठने से थोड़ी बात दी है इसमें। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। कबरापन कैसे आ गया इतना इसमें? देखो इस कई बार फलेरी वाली भैंस मिल जाती है। अच्छा, कबरापन नहीं होता तो कितने रुपए की भैंस थी? यही तो चीज है, क्योंकि अगर कबरापन नहीं होता तो एक अलग ही मोल होना था इसका। हाँ जी। तो अब का क्या मोल कर दिया भाई साहब? 1,08,000 की दी। 1,08,000 की सेल कर दी। हाँ जी, है। हाँ जी। देखो यह बात सही कही भाई ने, अगर कबरापन नहीं होता तो 1,08,000 की नहीं दी जाए। बिल्कुल जी, फिर मोल अलग होना था। पीठ पुठे थे नीचे था, डर की बात करें तो पशु में एक अलग क्वालिटी। हाँ है जी, हाँ जी। कितना का दूध है इसमें अभी? मौके 13-14 लीटर हाजिर तैयार है। 13-14 लीटर, दो टाइम दो के लिए इनने, दो टाइम इनने दो कर ली है। आज काका एक बार आ जाओ। राम राम जी भैया। राम राम जी, और ठीक हो जी? हाँ ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? गिरवल जी यादव। अच्छा जी, कहाँ से आए हैं यादव साहब? झांसी से। झांसी से आए हो? आप भी पहली बार आए हो? पहले आए हो कभी? हम पहली बार आए। पहली बार आए हो, तो कैसे लगे पशु? बढ़िया। धार दूर देखी सभी? क्या दूध दार सब देखा? सब बढ़िया। नरम है चौई? चौई नरम है। कीमत बताई है जो भाई साहब ने? इसी कीमत में दी आपको? इसी कीमत में दी है। ये तो नहीं कि कम पैसे में दे दी और कीमत ज्यादा बता दी, और ज्यादा में दे दी हो तो कम में बता दी? जो मैंने कीमत दी है वो उसी में दी। जो पैसे आपने इनकी जेब में डाले हैं, इनके हाथ में दिए हैं कि लो आपके पशु की कीमत, वही कीमत वीडियो में बताई भाई साहब? हाँ, उसी में दी मैंने। चलो जी बढ़िया है, क्योंकि भाई भाई 10 साल तक रहे, ये पहली बार आए हैं, तो इनको भी एक अच्छा रहन खान की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बढ़िया रहन खान, चाय टाइम पे पान, नाश्ता पानी, भोजन अच्छे बढ़िया। अच्छा जी। हाँ। बीड़ी तो चौकी पी रखी थी कमरे में आपने? बीड़ी बहुत पी, हम देसी आदमी हैं उधर। अच्छा। हाँ, बीड़ी बहुत पी थी। चलो बड़ी अच्छी बात है। बीड़ी गुटखा नहीं खाते? गुटखा नहीं खाते। खाना भी नहीं चाहिए? हाँ। पीनी तो बीड़ी भी नहीं चाहिए? बीड़ी पी ली आप, पेट चढ़ेगा। चलो ठीक है जी। तो इसकी क्या कुछ डिटेल है? पहले फर्स्ट ब्यांत में ही। अच्छा, अभी खीस होया 10 लीटर। अच्छा जी, चार दांत, दो दांत अभी, दो दांत से। हाँ, फर्स्ट टाइमर। कितने ही सेल कर दिया? 1,13,000 में।
1,13,000 में सेल कर दी भाई। हाँ जी, हाँ जी। ये भी झांसी जाएगी जी। बिल्कुल झांसी जाएगी। और भी है अभी एक और अनंदर। हाँ जापरा। दो और है और तीन भैंस इनकी। तो भाई अबूब शहर जिला सिरसा मंडी डबवाली। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान भी कई किलोमीटर है? राजस्थान 7 किलोमीटर, पंजाब 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, हरियाणा में आप हो। देखो जी बढ़िया क्रम है, इसी जगह जन्म ले रहे हो। जब जी चाहो इनको कहते भाई पंजाब जा रहा था। हाँ जी, हाँ जी। हैं थोड़ी देर में बोले भाई राजस्थान जा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। ही हरियाणा लिया। हाँ जी, हाँ जी। 20 मिनट में तीनों स्टेटों ने कवर कर सको आप। तो भाई कुलवीर सुथार नाम से डेयरी फार्म है, पहले वीडियो बनाई थी उस पर भी कमेंट तकरीबन अच्छे आए, सभी भैया ने कहा भाई भाई के जायज रेट हैं। कोई भी भाई पशु खरीदना चाहता हो, पूरी की पूरी गाड़ी खरीदना चाहता हो, तो भाई का फोन नंबर बताओ जी अपना। 97-297-44-222 97-297-44-222 और भाई दूसरा भी देना नंबर है दे दो 94-165-86-917 यो इस पर बैनर पे है भाई। हाँ जी, हाँ जी। यो राकेश सुथार भाई का नंबर है, इनके जो बड़े भाई हैं उनका फोन नंबर है, बाकी वे तकरीबन खेती में ज्यादा बिजी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस काम ने कुलवीर भाई संभाले हैं, तो इनके पास कॉल कर लियो आप, इनका नाम मिला तो उनके पास में कर लियो। हाँ जी, हाँ जी। और कमेंट में अपनी राय भाई लगातार ऐसे देते रहा करो। राम राम सारे ने, राम राम कर दो। राम राम।